got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. हेलो एवरीवन, एक नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। तो आज हम दिखाने वाले हैं अपना, यानी कि अपना बिरसा कॉलेज खूंटी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज रहता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किधर है। आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। नंबर 1, 2, 3 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होने वाला है, साथ ही साथ कौन सा टीचर किधर बैठता है और वेरीफाई कब होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं फ्रेंड्स। और एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं बता दूँ कि अभी जो है पीजी का ऑनलाइन शुरू हो गया, और अभी के हिसाब से 10 तारीख जो है 10 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है फ्रेंड्स। तो आप यदि आप किसी में से किन्हीं को यदि पीजी करनी है 2022 में, तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन कर लीजिए ताकि डेट आपके हाथों से फिसल ना जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेट ना करते हैं, जाते हैं एक एक डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए अभी एडमिशन चल रहा है, ये काउंटर जहाँ पर चलान मिलने वाला है, इधर देखिए अलग कर लो। फ्रेंड्स, ये बिरसा कॉलेज का बैक साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, और यहाँ पर काउंटर जहाँ पर आपको रिसिप्ट यानी कि चलान मिलने वाला है, और ये काउंटर नंबर 2 यहाँ पर भी चलान मिलने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है, और इधर आप देख सकते हैं। और ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो कि ये बैक साइड में है, इधर आप देखिए। और ये ट्रायल डिपार्टमेंट जहाँ पर मुंडारी डिपार्टमेंट के टीचर्स बैठते हैं, इधर चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे। तो आप देखते हैं ये है बरामदा जो कि बहुत बड़ा सा है। ये है प्रिंसिपल का कैबिन, यहाँ पर हेड मैडम बैठती है कीड़ो। और ये है बगल में कंट्रोलर रूम, यदि आप लोगों को रिजल्ट से संबंधित कोई भी पेंडिंग या तो कोई समस्या हो तो हमारे एग्जामिनर कंट्रोलर हैदर सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल के ठीक अपोजिट गेट में है। तो चलिए अभी पहुंच गए हम बिरसा कॉलेज का स्टाफ रूम, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अपना वेरीफाई करवाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ये है स्टाफ रूम टॉयलेट, और इसके अपोजिट में है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, और गर्ल्स एवं बॉयज दोनों के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी है। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच गए, ये है रूम नंबर 1 जो कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है। चलिए हम लोग अंदर से, यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो कि अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा ये आप देख सकते हैं अलमीरा दिया गया है। और ये है बहुत बड़ा रूम, ये है रूम नंबर 1, ये है रूम नंबर 2 जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट स्पेशल है। चलिए हम लोग इस क्लास को भी अंदर से देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, और ये यहाँ पर और एक गेट दिया गया है जो कि आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं यानी कि निकल सकते हैं। और ये डस्टबिन जो कि आपका ड्यूटी है कि आप जो भी कचरा है इस पर डालें। यह रूम नंबर 3 जो कि हिंदी डिपार्टमेंट स्पेशल है। तो चलिए हम लोग अंदर से देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हिंदी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर अलमीरा दिया गया है। नीचे भी आपके टॉयलेट की व्यवस्था है। फ्रेंड्स, यहाँ ठीक ऊपर आप देख सकते हैं ये है रूम नंबर 4, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल, ये इतिहास के विद्यार्थियों के लिए रूम है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कितना बड़ा सा रूम है ये, और पढ़ाने के लिए यहाँ व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों की व्यवस्था है। आप देखिए
और फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम नंबर 5। जी हाँ, ये है मुंडारी डिपार्टमेंट स्पेशल। आप देख लीजिए, जो कोई भी मुंडारी ओनर्स करते हैं, आपको छत के ऊपर आना पड़ेगा रूम नंबर 5 में। इधर आप देखिए, ये देखिए कितना बड़ा रूम है, जो कि मेरे ख्याल से पर्याप्त है। इधर आप देख सकते हैं, और ये रूम नंबर 6 आप देख सकते हैं। इसमें कभी कभी मुंडारी भी पढ़ाई होता है और इसमें मैथ भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि बिरसा कॉलेज का कोई फिक्स रूम नहीं है अधिकतर, इसलिए आप लोग ये आप छत पे देख सकते हैं, वो है नया वेडिंग हॉल। और ठीक सामने में आप देख सकते हैं, जूम करके यहाँ पर है स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी, तो आप आइए और लाइब्रेरी ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको आईडी बनाना पड़ेगा ताकि जान सके कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा बुक ले रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा, यह है ब्लॉक सी, जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट स्पेशल है ऐसा कहा जाता है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पर सिर्फ कॉमर्स का पढ़ाई होता है या बाकी अन्य विषयों का भी। ये ब्लॉक नंबर 1 है, ठीक बगल में है।